रेलवे एएलपी के जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, अगर आप लोग फोटो अपलोड करने में ये गलती किए हैं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्या गलती किए हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूं। आप लोगों को बता दूं, रेलवे एएलपी का जब नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था उसमें साफ साफ लिख दिया गया था व्हाइट बैकग्राउंड लगेगा फोटो का, लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ब्लू बैकग्राउंड में और कोई अदर बैकग्राउंड में फोटो को अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, इसके पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था रेलवे का, रेलवे हर एक वैकेंसी का जब फॉर्म फिलअप कराती है तो बैकग्राउंड व्हाइट ही मांगती है, और इसके पहले लाखों के तादाद में स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट किया गया था फोटो और सिग्नेचर के वजह से। फिर से अपलोड करने का मौका दिया गया था, वो भी कब दिया गया, बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद। तो क्या चाहते हैं आप लोग, फिर से प्रोटेस्ट पे आप लोगों को उतरना है? वो तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिए कि जो पासपोर्ट साइज बैकग्राउंड है 30 KB से 70 KB के बीच में रहना होगा और बैकग्राउंड व्हाइट लगेगा। समझ में आ गया, सिग्नेचर नॉर्मल व्हाइट पेज पे सीधा सिग्नेचर 30 KB से 70 KB के बीच में रहना होगा। फोटो अगर आप लोग खिंचवाते हैं तो सनग्लासेस और चश्मा एकदम मत लगाइएगा, कैप टोपी एकदम मत पहनिएगा। मैं अभी जिस तरीके से बैठा हूँ ऐसे एकदम स्ट्रेट ऐसा फोटो रहना होगा और कान आँख स्पष्ट दिखना होगा, बैकग्राउंड वाइट रखना होगा। समझ में आ गया, और यही इंपॉर्टेंट अपडेट था, छोटा सा अपडेट था। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं तो सोचे वीडियो बना के आप लोगों तक अपडेट पहुंचा दूं। तो चलिए, इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।